की बड़ी खबर के साथ लखनऊ से खबर। विभूति एंड स्थित ट्रांसमिशन भवन बनाने में करोड़ों का हेरफेर। सरकारी मिट्टी डलवाई और चहेते ठेकेदारों को किया मिट्टी डलवाने का भुगतान। ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए विभाग को लगाया चूना। ठेकेदारों को नियम विरुद्ध पहुंचाया गया फायदा। विशाल चौहान और नरेंद्र पांडे घपलेबाजी में शामिल हैं। नरेंद्र पांडे ने नियम के खिलाफ बांटे ठेके। चहेतों को फायदा देने के लिए विभाग को चूना लगा रहे नरेंद्र पांडे। जेटा बिजली उपकेंद्र में मुफ्त की मिट्टी डालकर ले रहे भुगतान। हरदोई रोड स्थित है 400 केवी जेटा बिजली उपकेंद्र। विशाल चौहान बिजली व्यवस्था सुधारने से ज्यादा ठेके देने पर लगा रहे हैं ध्यान। मंत्री श्रीकांत शर्मा भी घपलेबाज अफसरों पर कार्रवाई नहीं कर रहे। श्रीकांत शर्मा के ढुलमुल रवैये से भ्रष्टाचार कर रहे विशाल और नरेंद्र पांडे। तो चहेतों को फायदा देने के लिए विभाग को चूना लगा रहे हैं नरेंद्र पांडे। आपको बता दें दरअसल सरकारी मिट्टी डलवाई जा रही और भुगतान लिया जा रहा है। जेटा बिजली उपकेंद्र में मुफ्त की मिट्टी डलवाई जा रही है। हरदोई रोड स्थित है 400 केवी जेटा बिजली उपकेंद्र, जहां पर मिट्टी डलवाने के एवज में यह पूरा घपला। विशाल चौहान बिजली व्यवस्था सुधारने से ज्यादा ठेके देने में ध्यान लगा रहे हैं और उस पर मंत्री श्रीकांत शर्मा का ढुलमुल रवैया, जिसके चलते घपलेबाज अफसर चांदी काट रहे हैं। आखिर क्यों नहीं करे श्रीकांत शर्मा इन पर कार्रवाई, यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। विभूति खंड स्थित ट्रांसमिशन भवन बनाने में करोड़ों का हेरफेर का मामला सामने आया है। आपको बता दें सरकारी मिट्टी डलवाई गई और चहेते ठेकेदारों को मिट्टी डलवाने का भुगतान कर दिया गया। ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए विभाग को चूना लगाया गया करोड़ों का, यानी जो काम ठेकेदारों की तरफ से हुआ ही नहीं उसके लिए भुगतान कर दिया गया। ठेकेदारों को नियम के खिलाफ फायदा पहुंचाने का मामला सामने आया है और इसमें विशाल चौहान और नरेंद्र पांडे शामिल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें नरेंद्र पांडे ने नियम के खिलाफ ठेके बांटे अपने चहेते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। इसके जरिए चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए विभाग को चूना लगाया नरेंद्र पांडे ने। जेटा बिजली उपकेंद्र में मुफ्त की मिट्टी डालकर भुगतान ले रहे हैं। हरदोई रोड स्थित है 400 केवी जेटा बिजली उपकेंद्र, जहां पर करोड़ों की हेराफेरी का यह मामला सामने आया है। करोड़ों की हेराफेरी, ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए विशाल चौहान बिजली व्यवस्था सुधारने से ज्यादा ठेका देने पर ध्यान लगा रहे हैं। हम सीधे लखनऊ कर लेते हैं। हमारे संवाददाता संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संकेत, एक तो विस्तार से बताइए पूरा घपला है क्या, और उस पर सवाल ये आखिर श्रीकांत शर्मा इस पर क्यों मौन है, उनका रवैया क्यों ढुलमुल सामने आ रहा है? देखिए जिस तरह से नरेंद्र पांडे की जो बात की जा रही है, पहले भी तमाम घपलेबाजी में शामिल रहे हैं, मनचाहे ठेके और जो नियम है ठेके देने के वो नियमानुसार भी इन्होंने ठेके नहीं दिए और इस बात में इन्होंने घपलेबाजी की है। केंद्र बनवाया जा रहा है जिसमें मिट्टी का काम है और वो मिट्टी के काम का बाकायदा ठेका उठता है नियमानुसार और उसके बाद वो मिट्टी उसमें डाली जाती है। लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है कि मिट्टी का भुगतान तो किया जा रहा है सरकारी पैसे से चहेते ठेकेदारों को, लेकिन जो मिट्टी है वो भी सरकारी ही है, दूसरी जगह से मिट्टी खोद के वो यहाँ पे आती है और वो मिट्टी यहाँ पे डाली जा रही है। जबकि ठेकेदार को ठेका दिया गया है तो वो बाकायदा खनन का अपना परमिशन लेता है और उसके बाद मिट्टी डालता है, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं की गई। और ये कम से कम 40 लाख से ज्यादा का फर्जीवाड़ा है। 40 लाख रुपए का एक उपकेंद्र का काम होता है मिट्टी डालने का, और इसके अलावा 7 और उपकेंद्र लखनऊ में बनने हैं, उसमें भी इसी तरह से कुछ फर्जीवाड़ा करने की तैयारी में है अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती है समय रहते। चलिए शुक्रिया संकेत तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मिट्टी में भी घपला करने से बाज नहीं आ रहे अधिकारी और उसमें योगी सरकार के मंत्री जो खुद को बेहद एक्टिव बताते हैं, उनका रवैया भी ढुलमुल सामने आ रहा है।